नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान ग्रहण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के मेरिनेक में विमान में उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह में अपनी 87वीं वर्षगांठ मनाई। वायुसेना प्रमुख ने कहा, वायुसेना हर कीमत पर देश की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। विजयदशमी और दशहरा की देश भर में धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में महिलाओं को और सशक्त बनाने तथा उनकी गरिमा बढ़ाने का आह्वान किया। तीन वैज्ञानिकों जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और दिदियर क्लुएवोज को भौतिकी के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार। और एमसी मैरीकॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फ्रांस के मेरिनेक में दसां एविएशन की उत्पादन इकाई में एक समारोह में इसे ग्रहण किया। ये समारोह ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है और देश में आज विजयदशमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। श्री सिंह ने इस अवसर पर शस्त्र पूजा की और रफाल में उड़ान भरी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये समारोह भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि ये भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी में एक नया अध्याय जुड़ गया है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाई तक पहुंच गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन दो महत्वपूर्ण और बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। ये विश्व की शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते रहेंगे। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट हमको और मजबूती प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि रफाल विमान उड़ाना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है और ये एक रोमांचक अनुभव रहा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जैक्स शिराक को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वे वास्तव में वैश्विक राजनेता और भारत के सच्चे मित्र थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैक्स शिराक ने भारत फ्रांस महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर निर्णायक भूमिका निभाई। इससे पहले रक्षा मंत्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा मंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात बहुत सार्थक और सौहार्दपूर्ण रही। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और मेक इन इंडिया में सहयोग के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना की 87वीं वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना केंद्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायुसेना राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा सतर्क है और हर कीमत पर देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन एयरफोर्स इज ऑन द पाथ ऑफ रैपिड मॉडर्नाइजेशन। भारतीय वायुसेना रफाल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण तकनीक और विमानों की खरीद के जरिए तेजी से आधुनिक होने की राह पर है। सामरिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्वदेशी डिजाइन और निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। वायुसेना मेक इन इंडिया के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीकी हार्डवेयर को देश में ही विकसित करने के लिए भी वचनबद्ध है। ऑफ हाई टेक्नोलॉजी हार्डवेयर इन कॉन्सोनेंस विद मेक इन इंडिया। इस मौके पर हिंडन वायुसेना केंद्र पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग बाइसन विमान में उड़ान भरी। बालाकोट सैन्य कार्रवाई के अन्य नायकों ने भी 3 मिराज 2000 विमान और 2 SU-30 MKI युद्धक विमानों में उड़ान भरी।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वायु सैनिकों का अभिवादन किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि सेना अदम्य साहस का प्रतीक है। इस अवसर पर तीनों सेनाध्यक्ष आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में पुलिस कार्रवाई के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि एक आतंकवादी कवानी और दूसरा पुलवामा के अवंतीपोरा का है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार समाज को एक साथ जोड़ता है। आज शाम दिल्ली में आयोजित दशहरा समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि त्योहार लोगों में उत्साह भरते हैं और सपने सजाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर लोग सामूहिक भावना की शक्ति को समझना चाहते हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण और भगवान राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत शक्ति साधना की भूमि है। मां की उपासना करने वाला ये देश, शक्ति साधना करने वाला ये देश, धरती पर हर मां बेटी का सम्मान, हर मां बेटी का गौरव, हर मां बेटी की गरिमा, इसका संकल्प शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में लोगों से अन्न बर्बाद न करने, ऊर्जा संरक्षण और पानी बचाने के लिए एक मिशन शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने लोगों से इस मिशन को पूरा करने के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि आज विजयादशमी के साथ साथ वायुसेना दिवस भी है और देश को अपनी वायुसेना पर बड़ा गर्व है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला दहन भी किया। देश भर में विजयदशमी और दशहरा आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। विभिन्न भागों में रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं। कर्नाटक में मैसूरू में 10 दिन तक चलने वाला उत्सव आज विजयादशमी के अवसर पर हाथी जुलूस के साथ संपन्न हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर अनेक झांकियां निकाली गईं। बालाकोट हवाई हमला, चंद्रयान 2, फिट इंडिया विषयों पर बनाए गए झांकियां जुलूस में देखी गईं। दसरा जुलूस के बाद मशाल के साथ करतब और पटाखे छोड़े गए, जिसके बाद विजयदशमी का पर्व को समापन हुआ। मैसूरू के आसपास आज शमी या खेजरी वृक्ष और उनके पत्तों की पूजा की जाती है। ये एक धार्मिक आचरण है जहाँ शमी के पत्तों को देखकर कहा जाता है बन्नी भंगारा वागोना, जिसका मतलब है शमी पत्ता सोने के समान है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह रामलीलाओं का मंचन समाप्त हो गया। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर आज रामलीला का समापन हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर पारंपरिक तरीके से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। राम की नगरी अयोध्या में लगभग 100 से अधिक रामलीलाएं खेली जा रही हैं और आज वहां भी दशहरे के मौके पर रावण दहन का आयोजन हुआ। वाराणसी में DLW ग्राउंड पर दिव्यांग बच्चों ने अनूठे अंदाज में रामचरितमानस पर आधारित मूक रामलीला का मंचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से दशमी पूजन किया और बाद में रामलीला मैदान में भगवान राम का राज तिलक किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हमारे कोलकाता संवाददाता ने बताया है कि यहां पारंपरिक तरीके से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर लोग एक दूसरे को बधाई और मिठाइयां बांट रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए विभिन्न नदियों के किनारों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता के बाबू घाट पर विसर्जन देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई है। पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम ने विसर्जन देखने वालों के लिए गंगा नदी में विशेष फेरी की व्यवस्था की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विसर्जन से होने वाले प्रदूषण को लेकर कड़ी नजर बना रखी है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिवप्रकाश मिश्र। उधर हिमाचल प्रदेश में सप्ताह भर चलने वाला ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ रथ यात्रा के साथ आज से कुल्लू जिले में शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में आयोजित दशहरा समारोह में भाग लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने पुरानी दिल्ली के लाल किला परेड मैदान में दशहरा समारोह में भाग लिया। इस वर्ष नवरात्र के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। वैष्णो देवी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि 29 सितंबर से 7 अक्टूबर के दौरान 3,64,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर आए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थानों, कारखानों और व्यावसायिक परिसरों में पौधे लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए ये एक बड़ा योगदान होगा। आज जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ संभव है वहाँ ठीक तरीके से पेड़ लगाना ये पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। एक तरह से खुद की ऑक्सीजन बैंक तैयार करने का ये संकल्प है और इसलिए आज भारत का वन क्षेत्र 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है और 25% लगभग अब हुआ है, यह और हमें 33% की तरफ जाना है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल स्रोतों की मदद से 4.5 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसका कई देशों ने स्वागत किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। भौतिकी के लिए 2019 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। ये तीन वैज्ञानिकों जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और दिदियर क्वेलोज को दिया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार सृष्टि के विकास और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान के बारे में जानकारी हासिल करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार का आधा हिस्सा जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक आविष्कारों के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार का शेष आधा हिस्सा संयुक्त रूप से माइकल मेयर और दिदियर क्वेलोज को सौर प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक एक्सोप्लेनेट की खोज के लिए दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक समारोह में दिया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्देश्य देश विदेश की सहकारिता संस्थाओं के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है, ताकि देश का कृषि क्षेत्र समृद्ध बने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मेले में 150 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं और अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, चीन तथा जापान समेत 35 देशों के खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद है। श्री तोमर ने कहा कि ये देश में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला होगा, जिससे सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। रूस के उलान उदे में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की एमसी मैरीकॉम 51 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरीकॉम ने आज थाईलैंड की जुटामस जिडीपोंग को 5-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। 75 किलो वजन वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की स्वीटी बुरा को वेल्स की लॉरेन प्राइस ने 3-1 से हराया। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में 288 और हरियाणा में 90 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने फ्रांस से पहला रफाल लड़ाकू विमान ग्रहण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के मेरिनेक में विमान में उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह में अपनी 87वीं वर्षगांठ मनाई। वायुसेना प्रमुख ने कहा, वायुसेना हर कीमत पर देश की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। विजयदशमी और दशहरा की देशभर में धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में महिलाओं को और सशक्त बनाने तथा उनकी गरिमा बढ़ाने का आह्वान किया। 3 वैज्ञानिकों जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और दिदियर क्वेलोज को भौतिकी के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार। और एमसी मैरीकॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।